राहुल गांधी का हमला बेकार है क्योंकि वो उधार का है। उनके पास एयरबस के ईमेल कैसे आते हैं? आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि एयरबस की एक कंपनी है, वो कंपनी ही राफेल के विरोध में एक प्रत्याशी थी। तो देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी गुणों के आधार पर राफेल का चुनाव हुआ था, तो वही राफेल का डील लेने के बाद अब एयरबस और कांग्रेस, राहुल गांधी आज एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा है कि ये कैसे भी करके राफेल को डील को खत्म करे और दूसरे कंपनी को फायदा पहुंचाए, और उसके लिए वो लगे हैं। और इसी का आज सबूत मिला है कि उन्होंने आज एक ईमेल का सहारा लिया है, जो ईमेल एयरबस कंपनी से आता है, और जो एयरबस कंपनी राफेल के दूसरी जो कंपनी थी, जो राफेल की प्रत्याशी थी, राफेल के विरोध में जो आना चाहती थी भारत में, उस कंपनी के द्वारा ही आने वाले ईमेल्स वो करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, और वायुसेना की जरूरतों की ध्यान देने के बजाय किस तरह से राजनीति ओछी कर रहे हैं, यही ये सबूत है।